तो ये बचे मैंने क्या किया है, अब मैंने इंटरेस्ट ऑन रैंक्स के केस में पहले प्रोडक्ट मेथड से ही काम करके आपको दिखा दिया। अब ये देखें कि प्रोडक्ट मेथड यूज़ करें चाहे सिंपल मेथड यूज़ करें कि हर टाइम ही हम इंटरेस्ट ऑन रैंक्स कैलकुलेट करें, टोटल हमेशा सेम आएगा। अब हम इसको पहले प्रोडक्ट मेथड से किए, अब हम सिंपल मेथड से करें, 20,000 इंटू 9/12 इंटू 5/100। और जो 10,000 ड्राइंग्स की थी 4/12 इंटू 5/100। अब इसे सॉल्व करें, ऐसे आता जाएगा ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको हम राउंड ऑफ कर लें, 167। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 750 + 167, तो ये हो जाएगा 719। तो देखो सेम अमाउंट आ गया, वो तो राउंड ऑफ है, चाहे राउंड ऑफ इधर भी कर लो, इट इज़। तो आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब हम देखें कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमें कुछ प्रॉब्लम आती है। अब देखें कि किस केस में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है कोई पार्टनर कहता है मैं तो हर महीने ही विड्रॉ करूँगा, कोई कहता है मैं तो हर महीने के शुरू में विड्रॉ करूँगा, कोई कहता है कि मैं महीने के मिडल में करूँगा, कोई कहता है कि मैं महीने के एंड में विड्रॉ करूँगा, और अमाउंट सेम है। तो बच्चे अगर अमाउंट डिफरेंट होता फिर तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते और हमें काफ़ी लंबा पड़ता, और अगर अमाउंट डिफरेंट है तो हमें प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, चाहे सिंपल मेथड यूज़ कर लें। इधर लिख ही दें सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। लेकिन अब हम एक शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे, वो शॉर्टकट मेथड की दो कंडीशंस हैं बच्चों। एक कंडीशन है कि यूनिफॉर्म अमाउंट वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, यूनिफॉर्म अमाउंट। दूसरी कंडीशन ये है यूनिफॉर्म पीरियड के बाद। अब देखिए ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम अमाउंट। यूनिफॉर्म पीरियड का मतलब हर महीने वो सेम टाइम पैसा निकाले, वो ज़रूरी नहीं है मंथली बेसिस पे, वो क्वार्टरली बेसिस पे भी निकाल सकता है। अब देखें कि शॉर्टकट मेथड में कौन कौन से केसेस हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और शॉर्टकट को ना मैंने बच्चों एक और समरी फार्मूला आपको बना के दे देना है, और कोई भी केस आ जाए आप कंडीशन ये दोनों चेक करके सेम फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। देखो जी, कोई पार्टनर कहता है मैं तो हर महीने के शुरू में विड्रॉ करूँगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और पूरे साल के लिए, फुल ईयर। एक पार्टनर कहता है मैं तो मिडल में करूँगा, मिड ऑफ एवरी मंथ, और पूरे साल के लिए। एक पार्टनर कहता है मैं तो एंड में करूंगा, ठीक है देखते चलो। एक पार्टनर कहता है मैं तो करूंगा तो महीने में, हर महीने के शुरू में, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स ही करूंगा। एक पार्टनर कहता है कि मैं तो मिड में करूंगा और सिर्फ 6 मंथ्स करूंगा। एक और पार्टनर कहता है एंड में विड्रॉ करूंगा मैं तो, और
पूरे 6 मंथ्स करता जाऊंगा। कुप फिर कहने लगे कि हम तो क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग्स करेंगे। कोई कहता है मैं तो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर बच्चे समझते हो, क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ ऑफ वन ईयर मीन्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद वो ड्रॉ करेंगे। तो ये कहता है पूरे साल के लिए मैं हर क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ करूँगा, और ये कहता है मैं तो हर क्वार्टर के मिड में करूँगा, और ये कहता है मैं तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ करूँगा। बच्चे आपको ना इन सारे केसेस में एक फॉर्मूला फिट करना है, कंडीशन ये मत भूलना, यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म पीरियड। अब फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ओवर 100 इनटू एफ ओवर 12। अब इसको एफ मान लो चाहे ए कह लो, अब देखिए ये क्या है, टोटल ड्राइंग्स का मतलब पूरे साल में कितनी ड्राइंग की। अगर हर महीने की तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 6 महीने की तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर क्वार्टर बाद की तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेट गिवन होगा इनटू एफ। अब ये देखें एफ क्या है, कई इसको एफ बोल देते हैं, कई इसको सी कह सकते हैं, कोई ए कह सकते हैं, बात ये है कि हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये है क्या, इसको ना हम ऐसे करते हैं, इसको एवरेज पीरियड बोल देते हैं सीधा ही। तो ये एवरेज पीरियड क्या है, ये एवरेज पीरियड बहुत आसान है बच्चों, एक बार कंफ्यूज करेगा उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। एवरेज पीरियड का मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इन दोनों को प्लस करो और उसको डिवाइडेड बाय 2 करो। एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, तो एवरेज को डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ओवर 100 इनटू एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स का मतलब अगर साल में उन्होंने ड्राइंग्स की हैं, पर मंथ ड्राइंग्स गिवन है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर वो 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेट गिवन होगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जब पहली बार किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है उसके बाद अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कितने महीने बचते हैं, प्लस लास्ट टाइम जब उसने विड्रॉ किया था उसके बाद कितने महीने बचे, इन दोनों को ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर लो। तो बच्चे कंडीशंस भूलनी नहीं है, अमाउंट सेम हो और पीरियड सेम हो। अगर महीने की बात लेनी है तो हर महीने, अगर क्वार्टर की बात लेनी है तो हर क्वार्टर में। अब आप फटाफट मेरे साथ ये कैलकुलेट करो कि हम एवरेज पीरियड इन केसेस में कितना कितना लेंगे।